हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 ऑफ चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल क्लास टेंथ कंप्लीट कर ली थी इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 12.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे उससे पहले हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं सेक्टर और सेगमेंट सेक्टर सबसे पहले हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ रही है सेक्टर की तो सेक्टर क्या होता है बेसिकली देखिए एक सर्कल के अंदर दो रेडियस और पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज बाई टू रेडियाई देखिए कितनी रेडियाई टू रेडियाई एंड द कॉरेस्पोडिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल तो देखिए एक सर्कल है आपके पास ठीक है तो दो रेडियाई कौन सी है ओ ए एंड ओ बी ठीक है तो दो रेडियाई और एक आर्क के बीच का जो एरिया है डेट इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ अ सर्कल जैसे कि हमारा सर्कल है ये सेंटर है सेंटर O अब कोई भी दो रेडियस बना लीजिए यहां पे तो ओ ए ओ बी ठीक है ओ ए एंड ओ बी क्या है रेडियस ऑफ सर्कल तो ये देखिए ये हो गया आपका आर्क ए तो ये जो एरिया है ये हमारे पास क्या है सेक्टर ये हमारे पास माइनर सेक्टर है क्योंकि देखिए आप आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ओ ए और ओबी रेडियाई है तो ये वाला एरिया भी तो क्या होगा सेक्टर होगा होगा कि नहीं होगा लेकिन ये जो है ये हमारे पास है माइनर सेक्टर माइनर मतलब छोटा और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ठीक है डेट इज मेजर सेक्टर ठीक है प्रॉब्लम नहीं है मेजर मतलब बड़ा होता है ना ये हो गया हमारे पास मेजर सेक्टर ठीक है चलिए फॉर्मूला पे चलते हैं इसके एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा सपोज करिए हमारे पास एक सर्कल है ठीक है जिसके रेडियस हमें कितने गिवन है आर और एंगल है रेडियस के बीच में डेट इज थीटा तब उसका एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर स्क्वायर ठीक है पाई आर क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल तो याद रहेगा ये फॉर्मूला नेक्स्ट पे चलते हैं अपन सेगमेंट के ऊपर कि सेगमेंट क्या होती है जैसे कि हमारे पास सेक्टर था वैसे ही हमारे पास सेगमेंट है बट सेगमेंट क्या होता है एरिया बिटवीन कॉड एंड आरक ऑफ द सर्कल द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्क्यूलर रीजन एनक्लोज बिट्वीन अड एंड द कॉरेस्पोंडिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल जैसे कि आपके पास एक सर्कल गिवन है ठीक है अब इसमें कॉर्ड कॉर्ड. कॉर्ड है? है अब जो है ये सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो ये जो स्मॉलर पार्ट है दिस पार्ट इज माइनर सेगमेंट और जो बड़ा वाला हिस्सा है लार्जर एरिया इज मेजर सेगमेंट ठीक है तो सर्कल के अंदर कॉर्ड क्या करती है सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है ठीक है कॉर्ड कहीं भी हो सकती है तो ये जो छोटा वाला हिस्सा होता है दिस पार्ट ये होता है माइनर सेगमेंट और जो बड़ा वाला हिस्सा है लार्जर एरिया दिस वन इज मेजर सेगमेंट तो होपफुली आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा सेक्टर और सेगमेंट के अंदर सेक्टर इज बिटवीन आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्कल वेयर एज सेगमेंट इज बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ अ सर्कल तो चलिए आगे चलते हैं इसके फॉर्मूला के ऊपर एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी देखिए हमारे पास एक सर्कल है ठीक है अब ए पी बी ये जो सेगमेंट है जो कि रेड कलर से शो हो रहा है इसके एरिया का क्या फॉर्मूला होगा क्या है एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी ओ ए बी ये जो कंप्लीट सेक्टर है ठीक है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल तो देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा अगर हम कंप्लीट सेक्टर ओ ए पीबी में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस कर दे तो हमें ये जो शेडेड एरिया है जो कि रेड कलर से है उसका एरिया आ जाएगा एक तो ये फॉर्मूला है तो देखिए थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वायर ये क्या होता है एरिया किसका होता है सेक्टर का अभी पढ़ा है हमने माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए टाइप का आपको ट्रेंगल गिवन है और हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो है थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी पाईआर स्क्वायर सेम ही है माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा जो भी यहाँ पे आपको थीटा गिवन है ठीक है अपन यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन में ठीक है आर क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल ठीक है तो होपफुली आपको ये सभी चीजें समझ में आ चुकी होगी अब बारी आएगी हमारे पास लेंथ ऑफ एन आर्क की लेंथ ऑफ ऑफ एन आर्क अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा अब देखिए ये हमारा सर्कल है लेंथ ऑफ एन आर्क मींस हम ए से स्टार्ट हो रहे हैं कहां से स्टार्ट हो रहे ए से चल रहे हैं यहां पे और हम आ गए यहां पे बी पे तो ए से बी पे पहुंचने के लिए हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ही है हमारी लेंथ ऑफ तो एन आर्क ठीक है तो उसका क्या फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई पाई देखिए क्या थी हमारे पास सर्कम ऑफ सर्कल और हम यहां पे ए से लेके बी पर जब जा रहे हैं तो कहां पे चल रहे हैं सर्कम के ऊपर ही चल रहे हैं तो फॉर्मूला बहुत ईजी है तो, तो चलिए हम आगे चलते हैं हमारे एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल नंबर टू जिससे कि हमारे जो ये फॉर्मूलाज हैं और भी क्लियर हो जाएंगे कैसे यूज करना है तो क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर क्या फाइंड आउट करना एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस फोर सेंटीमीटर देखिए एक सर्कल गिवन है हमें। सेंटर क्या है उसका सपोज कर लीजिए ओ ये रेडियस है सेक्टर किसके बीच में बनेगा दो रेडियस के बीच में तो ये हमारी रेडियस है ओ एंड ओ बी कितनी गिवन है फोर सेंटीमीटर ठीक है चलिए आगे क्या कह रहा है एंड ऑफ एंगल थीटा इनके बीच में जो एंगल थीटा है वो कितना डिग्री है थर्टी डिग्री ठीक है थर्टी डिग्री ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर तो देखिए दो चीज फाइंड आउट करनी है पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर माइनर सेक्टर एंड आफ्टर दैट मेजर सेक्टर तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं और पाई हमें थ्री पॉइंट वन फोर यूज करना है रेडियस कितनी गिवन है हमें रेडियस आर इज फोर सेंटीमीटर और थीटा कितना गिवन है एंगल थर्टी डिग्री ठीक है कोई दिक्कत नहीं है पहले हम माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना हो जाएगा भाई पैर तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू पाए आर स्क्वायर याद है सबको तो चलिए फिर रख दीजिए इसमें माइनर में थीटा कितना हो गया थर्टी थर्टी अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू पाए कितना यूज करना थ्री पॉइंट वन फोर एंड रेडियस इज फोर सो स्क्वायर ऑफ फोर ठीक है सॉल्व so, कर लेते हैं जीरो से ज़ीरो कट गया उसे पहले तो थ्री वन ज़ा थ्री अगेन थ्री वन ज़ा थ्री थ्री टू जा सिक्स तो वन अपॉन ट्वेलव इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू फोर इंटू फोर ना फोर वन ज़ा फोर फोर थ्री ज़ा ट्वेलव ठीक है तो थ्री पॉइंट वन फोर इंटू फोर अपॉन थ्री फोर फोर ज़ा सिक्सटीन कैरी वन फोर वन जा फोर फाइव ठीक है थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व ये ट्वेल्व पॉइंट फाइव अपन थ्री ठीक है नौ थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व पॉइंट थ्री वन ज़ा थ्री ठीक है लेकिन ये तो फाइव है तो कैरी कितने लगे यहाँ पे टू थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर ठीक है तो ये तो टू जीरो बचे हमारे पास अगेन थ्री सिक्स ज़्याटीन अपन इसको अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं फोर पॉइंट वन नाइन सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि ये एरिया है हमारे पास ये तो हमने माइनर का निकाल लिया अब अगर बोले कि मेजर का भी हमें फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हमारे पास देखिए दो टेक्निक्स है फर्स्ट टेक्निक के अकॉर्डिंग जैसे हमारा सर्कल है इसका कंप्लीट एरिया का फॉर्मूला होता है पाईआर स्क्वायर होता है कि नहीं होता हमने ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया निकाले कितना 4.19 तो हम पाई आर स्क्वायर में से 4.19 माइनस कर दे एक तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं दूसरी टेक्निक के अकॉर्डिंग जैसे हमारा सर्कल है ठीक है तो ये जो माइनर सेगमेंट था वो थीटा कितना था 30 डिग्री था कि नहीं था तो जो रिमेनिंग होगा वो कितना हो जाएगा भाई कंप्लीट थ्री का होता है ना तो रिमेनिंग कितना हो गया थ्री हंड्रेड थर्टी तो मेजर सेक्टर के लिए कीटा हमारा आ जाएगा थ्री हंड्रेड थर्टी डिग्री ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है और फॉर्मूला लगा के अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपन इस तरह से करेंगे कि फर्स्ट वाली टेक्निक से कि पाई आर स्क्वायर में से अपन फोर पॉइंट वन नाइन माइनस कर देते हैं तो चलिए कर लेते हैं तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल बी सेम वही फॉर्मूला है पाईआर स्क्वायर माइनस फोर पॉइंट वन नाइन पाईआर स्क्वायर क्या है एरिया ऑफ सर्कल पाई कितना यूज करना थ्री पॉइंट वन फोर कितनी है फोर तो स्क्वायर ऑफ फोर माइनस फोर पॉइंट वन नाइन ठीक है तो थ्री पॉइंट वन फोर इन टू सिक्सटीन माइनस फोर पॉइंट वन नाइन थ्री पॉइंट वन फोर को अपन सिक्सटीन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आ रहा है थ्री पॉइंट वन फोर इंटू सिक्स फोर जवेंटी फोर कैरी टू सिक्स वन जावन एट थ्री सिक्स अगेन वन फोर जा फोर वन वन जा वन एंड वन थ्री 3, फोर ट्वेल्व कैरी वन एट नाइन टेन कैरी वन थ्री फोर फाइव तो भाई पॉइंट के बाद डिजिट से ना तो फिफ्टी पॉइंट टू फोर फिफ्टी पॉइंट टू फोर में से क्या माइनस करना है फोर पॉइंट वन नाइन ठीक है फिफ्टी पॉइंट टू फोर माइनस फोर पॉइंट वन नाइन ठीक है तो भाई फोर से नाइन को माइनस करना है तो ये तो छोटा हो गया ना तो कैरी ले लेते हैं अपन कितना हो गया फोर्टीन एंड फोर्टीन माइनस नाइन फाइव ठीक है ये भी हमारा वन हो गया जीरो पॉइंट ठीक है इससे कैरी लिया तो ये टेन टेन माइनस फोर इज सिक्स और ये हमारा क्या हो गया फोर तो फोर्टी सिक्स पॉइंट जीरो फाइव फोर्टी सिक्स पॉइंट जीरो फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया हमारे पास मेजर सेक्टर का चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर थ्री पे फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी ए वाई बी इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है ठीक है ये ए वाई बी शोन इन द फिगर फिगर दिख ही रहा है सबको इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज ट्वेंटी वन सेंटीमीटर रेडियस कितने गिवन है सर्कल की ट्वेंटी वन सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी इज वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री मीन्स हमारा जो थीटा है दैट इज वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री यूज पाए ट्वेंटी टू ओ सेवन और पाए हम कितना यूज करेंगे ट्वेंटी टू ओ सेवन तो चलिए क्या गिवन है वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी और सॉल्व हो जाएगा थीटा वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री है ठीक है रेडियस आर कितना है ट्वेंटी वन सेंटीमीटर तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट वाई बी फॉर्मूला बताया था आपको क्या था थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी आई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा बताया था कि नहीं बताया था ठीक है चलिए थीटा कितना है इसके अंदर 120 डिग्री तो 120 अपॉन 360 हंड्रेड सिक्सटी अपॉन रेडियस कितनी है ट्वेंटी वन सो है? माइनस हाफ इंटू अगेन स्क्वायर ऑफ ट्वेंटी वन चलिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है अभी यहाँ पे आ गया साइन वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री ठीक है देखिए जीरो से जीरो कट गया पहले तो गया ना ट्वेल्व वन जै ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री जै थर्टी सिक्स तो ये हो गया वन अपॉन थ्री इंटू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू स्क्वायर ऑफ ट्वेंटी वन इज ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन माइनस हाफ इंटू स्क्वायर ऑफ ट्वेंटी वन अगेन ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन चलिए साइन वन हंड्रेड ट्वेंटी का वैल्यू बताइए अरे साइन वन हंड्रेड ट्वेंटी कितना होता है फटाफट से बताइए नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है मैं नुपुर मैम सि मैथ्स में नो फियर अब बच्चे सोच रहे हैं साइन वन हंड्रेड ट्वेंटी तो हमें बताया ही नहीं है लेकिन आपको टिग्नोमेट्री के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ाए गए थे याद है ना तो देखिए हम साइन 120 को क्या लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थर्टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते 120 को अपन ने स्प्लिट कर दिया एज 90 प्लस थर्टी अब एक फॉर्मूला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर क्या था साइन थीटा किसके बराबर होता है कॉस 90 प्लस थीटा था कि नहीं था और कॉस थीटा किसके बराबर होता है साइन 90 प्लस थीटा ये भी था तो यहाँ पे देखिए थीटा जो है वो है हमारा 30 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस थर्टी डिग्री होगा कि नहीं होगा तो साइन नाइन्टी प्लस थर्टी को अपन क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते तो हम यहाँ पे की जगह क्या लिखेंगे पे थ्री 7 7, 7, 3 से थ्री 3 भी कैंसिल हो गया तो ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी वन माइनस ठीक है ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन अपॉन टू तो है और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम साइन 90 प्लस थर्टी की जगह भी बताया है। क्या लिखना है कॉस 30 डिग्री चलिए फिर आगे तो 22 टू इंटू ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन अपॉन टू अच्छा कॉस 30 डिग्री का वैल्यू याद करिए फटाफट से टिग्नोमैट्री टेबल में से कितनी आ रही है रूट थ्री अपॉन टू चलिए तो लिख देते रूट थ्री अपॉन टू हाँ भाई कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर ट्वेंटी वन कॉमन आ रहा है चलिए ले लीजिए वॉट इज लेफ्ट ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी वन रूट थ्री अपॉन फोर ठीक है एल्सियम ले लेते हैं अपन ट्वेंटी वन भाई अपॉन एवन हो जाएगा फोर एटी एट माइनस ट्वेंटी वन रूट थ्री ठीक है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला लिखा और डायरेक्ट वैल्यू अपन ने पुट कर ली तो इस वीडियो के अंदर अपन ने एक्सरसाइज 12.2 से रिलेटेड एग्जांपल्स किए हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे तब तक आप इन फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर